मामी भांजी किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो वेज मंचूरियन हमारे आज के बच्चे वगैरह सभी बहुत पसंद करते हैं और बाहर से लेके आते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी घर में और बड़े अच्छे से बनाएंगे। आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो हमने वेज मंचूरियन बनाने के लिए लिया है मैंने ये कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। एक पत्ता गोभी था उसको मैंने क्रिस करके रख लिया है। और मैंने कुछ इसमें सामान ऐड करने के लिए लिया है, इस तरह के ये मैं लिया है मैदा 3 चम्मच और कॉर्नफ्लोर और ये प्याज कट करके रख लिया है। ये मैंने लिया है पनीर, इसको भी मैश करके रख लिया है। ये शिमला मिर्ची है, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस और ये मैंने लंबी लंबी हरी मिर्च काट के रख ली है। ये काली मिर्च का पाउडर है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है। ये हमारा सोया सॉस है, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये खाली लहसुन है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसके बॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सारा सामान साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ये नमक, नमक इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा, जितना इसमें लगेगा उतना हम डालते जाएंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है और अभी हम इसको मैश करेंगे। ये हमारा जो पत्ता गोभी मैश करके रखा है मैंने, उसमें कितना ये लगेगा उस हिसाब से डालते जाएंगे। अभी इसमें और डलेगा, ये हम थोड़ा सा मैदा और डाल रहे हैं और कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे इसमें। इसका हम एक स्मूथ सा डो बना के रख लेंगे। अभी हमारा ये थोड़ा गीला टाइप का लग रहा है, ये हमारा पूरा पड़ जाएगा। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच मैदा ये पूरा इसमें डल जाएगा। और अभी हम इसको मैश कर लेंगे, इसके हम छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। हमारा ये सारा मैश हो गया है, अब हम इनके छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। इस तरह से छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे हम सारे बना के रख लेंगे। मैंने इतने मंचूरियन बॉल्स बना लिए हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया था, वो ऑयल सरसों का है और गर्म भी हो गया है। हम इसमें ये डालकर देखते हैं, फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे अभी। थोड़ी सी गैस बढ़ा देंगे तो देखिए हमारे ये हाफ फ्राई हो गए हैं। अभी हम इनको हाफ फ्राई करेंगे और दोबारा से हम इनको सेकेंगे। तो अभी हम कोई टिश्यू पेपर नहीं लगाएंगे, इस तरह से इनको निकाल लेंगे। दोबारा से हम इनको सेकेंगे, आप चाहें तो एक बार में भी सेक सकते हैं। और इस तरह से हम सारे मंचूरियन बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। हमारे ये सारे हाफ फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं दोबारा से डाल के सेकूंगी अच्छे से क्रिस्पी होने तक। इससे क्या है हमारे बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए अभी हम इनको दोबारा से फिर सेक रही हूँ। देखिए हमारे मंचूरियन बॉल का कलर कितना अच्छा है। देखिए अभी हमारे सिक्के रेडी हो गए हैं और अब हम एक टिश्यू पेपर नीचे लगा करके इनको
प्लेट में निकाल लेंगे। जो थोड़ा ऑयल होगा वो इसमें निकल जाएगा और ऐसे ही हम सारे बॉल्स सेक के तैयार कर। देखिए हमारे सारे मंचूरियन बॉल सिक के बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चलेंगे आगे प्रोसेस के लिए। अभी हमने एक स्टील की कढ़ाई ली है, गैस पे रख दी है और ऑयल भी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन, थोड़ा सा पक जाए इसके बाद हम अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज कच्चापन चला जाए इसका, चलाते रहेंगे इस तरह से। और अभी हम डाल देते हैं ये हरी मिर्च, अभी इसको थोड़ा सा भूनने देंगे हम। अभी हमारा प्याज का कच्चापन चला गया है, अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसलिए मैंने थोड़े सा ज़्यादा डाला है, आप चाहें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और अभी हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसको और पकने देंगे एक मिनट तक। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में करेंगे। अब हम इसमें आधे चम्मच नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा सॉस वगैरह में भी हमारा नमक रहता है, इसलिए कम ही नमक ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा और पकने देंगे सिर्फ 10 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। अब हमारी सब्जियाँ पक गई हैं, हम इस स्टेज पर डाल देंगे रेड चिली सॉस, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं, कम खाओ तो कम डालो और ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमने टमाटर सॉस डाल दिया है और साथ ही साथ हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, ये 2 चम्मच सोया सॉस है। अभी हम इसको थोड़ा पकाएंगे, देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे। हमारा ये बॉयल होने लगा है और अभी हम इसको थिक करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको डाल देंगे इसको थिक करने के लिए, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, ये पूरा चला जाएगा इसमें। और अब देखो कितना अच्छा ये गाढ़ापन आ गया इसमें, देखिए। अब इसी बीच हम डाल देंगे ये मंचूरियन बॉल बनाए थे ना, वो डालूंगी। गैस की फ्लेम कम कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स हमारी मंचूरियन कितनी टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी हम इसमें, वैसे हमारी बनके रेडी हो गई है पर अभी इसमें थोड़ा सा पनीर जो मैंने मैश करके रखा था वो डालूंगी। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, इससे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। और अभी हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे, अगर आपके पास हरा प्याज हो वो डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और अभी हम गैस करेंगे बंद। फ्रेंड्स हमने एक बाउल में
सर्व कर लिया है, निकाल लिया है सारा। अब देखिए हमारी वेज मंचूरियन कितनी अच्छी बनी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।